गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने करने शुरू करे थे बेटा, जिसमें हमने पहला जो डिस्कस किया था दैट वाज लिटरल रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड बेटा हमने डिस्कस किया था रीजनेबल रिकंस्ट्रक्शन, और थर्ड हमने डिस्कस किया था हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, हारमोनियस इंटरप्रिटेशन। आज बेटा हम फोर्थ डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ रूल है बेटा आपका रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम बेटा कुछ नाम और देते हैं, ये नाम याद रखने बेटा, कई बार इन नामों से आ जाता है। मिसचीफ रूल बेटा, ये बहुत पॉपुलर नेम है इसका, मिसचीफ रूल, ये याद रखना है बेटा। हेडन्स रूल, या फिर बेटा एक नाम और होता है इसका, परपोसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो याद रखना मिस्चिफ रूल, हेडन्स रूल, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, परपोसिव कंस्ट्रक्शन, सब एक ही बात होती है बेटा। बेटा ये मैं पूरा केस आपको बाद में पढ़ाऊंगा थ्योरी, पहले मैं आपको बेटा समझाता हूँ होता क्या है इसमें, जरा सुनना एक बार, ये समझो बेटा फिर आपको ईजी हो जाएगा। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा, इसे बच्चे हम कुछ नाम और देते हैं, हम इसे पॉपुलरली बेटा मिसचीफ रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा। हेडन्स रूल भी कहते हैं, या बेटा आप इसे परपोसिव कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो। परपोसिव वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड पर्पस, परपोसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, तो इनमें से बेटा कोई भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना बेटा इन्हें। बेटा पता है कई बार होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, कई बार होता क्या है बेटा, जो लिटरल मीनिंग होता है ना, लिटरल मीनिंग वर्ड्स का, वो बेटा उतना क्लियर नहीं होता है, लिटरल मीनिंग उतना क्लियर नहीं होता है, या फिर लिटरल मीनिंग क्लियर तो होता है, क्लियर तो होता है, लेकिन इंटेंशन, मतलब वो क्या वजह थी, पर्पस क्या था, पर्पस क्या था बेटा, क्यों ये लॉ लाया गया, वो क्लियर नहीं होता। तो मैंने दो बातें कही ना बेटा, या तो बताओ मीनिंग क्लियर है, मीनिंग इज क्लियर, मतलब वर्ड्स का लिटरल मीनिंग जो है वो क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन बेटे लिटरल मीनिंग तो क्लियर है, लेकिन बेटा इंटेंशन क्लियर नहीं है, इंटेंशन इज नॉट क्लियर। तो बेटा या तो बट मैंने क्या कहा, या तो बेटा मीनिंग ही क्लियर नहीं है आपको वर्ड्स का, तब तो अलग बात है, या फिर मीनिंग क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, लेकिन बेटा इंटेंशन, ये लॉ क्यों बनाया गया था, ऐसा लॉ आने के पीछे सर्कमस्टांसेस क्या थे, वजह क्या थी, वो नहीं क्लियर है बेटा। तो बेटा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का रूल आपको क्या कहता है कि क्लॉक को रिवाइंड करो, ध्यान से सुनना बेटा, क्लॉक को रिवाइंड करो, रिवाइंड करो, और पास्ट में जाओ जब ये रूल आया था, क्योंकि बेटा आपको ना रूट कॉज वहीं से पता चलेगा बेटा। तो बेटा अगर मेरी बैलेंस शीट में दिक्कत आ रही है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है बेटा, तो मुझे लेजर ट्रायल बैलेंस को चेक करना पड़ेगा, बात समझ आ रही है। तो अगर मुझे बैलेंस शीट में गलती ढूंढनी है तो बेटा बैलेंस शीट की गलती नहीं मिलेगी आपको, जब तक पहले आप ट्रायल बैलेंस को चेक ना करो, ठीक है बेटा। जो रूट कॉज होता है ना,
आपको रूट कॉज देखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको इंटेंशन नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, मैंने कहा नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा एक काम करो, क्लॉक को रिवाइंड करो और पास्ट में जाओ जब ये लॉ आया था, ठीक है। अगर आप पास्ट में जाके पढ़ोगे ना ये लॉ जब आया था, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये लॉ अब क्यों लाया गया है, ठीक है। तो अब मैंने बेटा क्या कहा आपको, मेरी बात समझना, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। ये देखो एग्जांपल से पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं बेटा। बेटा पता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन आपको क्या कहता है, ये कहता है जैसे बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं जो अमेंड होती हैं, ठीक है। जैसे बेटा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सेक्शन 50C, सेक्शन 50C बेटा कैपिटल गेन्स का सेक्शन है, आपको पढ़ाया हुआ है बेटा मैंने, जो बात करता है डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, जो बात करता है डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बेटा बेसिकली गवर्नमेंट आपको रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में क्या कह रही है कि अगर वर्ड्स का मीनिंग नहीं क्लियर है, ठीक है, या वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है बेटा, लेकिन इंटेंशन मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है बेटा लॉ मेकर की, मतलब लॉ मेकर ऐसा रूल लाया क्यों, क्या मोटिव था, क्या पर्पस था, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जो पैदा हो गए जो उसे ये रूल लाना पड़ा। तो बेटा लॉ कहता है आप अपनी क्लॉक को रिवाइंड करो और पास्ट में जाओ, जो ओल्ड लॉ था ना, जो ओल्ड लॉ था बेटा उसे समझो, क्योंकि बेटा एक बात सिंपल है, अगर मुझे न्यू लॉ को समझना है ना, तो बेटा ओल्ड लॉ पता होना जरूरी है, नहीं तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि ओल्ड लॉ को क्यों अमेंड किया, क्यों न्यू लॉ लाए। मेरी बात समझो बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं। बेटा पता है क्या लॉ आपको कहता है कि अगर आपको लॉ मेकर की इंटेंशन जाननी है ना कि क्यों वो ये न्यू लॉ लाया, तो उसके लिए पहले ना क्लॉक को रिवाइंड करो, पास्ट में जाओ और ओल्ड लॉ को स्टडी करो, जो पुराना लॉ था अमेंडमेंट से पहले का जो लॉ था उसे स्टडी करो, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, उसे स्टडी करके क्या होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि उस ओल्ड लॉ में डेफिशिएंसी क्या थी, क्या कमी थी। बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, नया लॉ लाया गया है इसका मतलब पुराने लॉ में कोई कमी रही होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए न्यू लॉ को लाया गया है। तो जब तक आप ओल्ड लॉ को नहीं पढ़ोगे, ओल्ड लॉ में डेफिशिएंसी क्या थी वो नहीं पता होगा, आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि न्यू लॉ आखिर क्यों लाया गया, रीजन क्या था बेटा न्यू लॉ को लाने का, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले इन सवालों का जवाब ढूंढो, ओल्ड लॉ क्या था, उसमें क्या डेफिशिएंसी थी, कौन सी डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए, सप्रेस करने के लिए बेटा ये न्यू लॉ बनाया गया है। जब तक आप पीछे पास्ट में जाके ओल्ड लॉ को स्टडी नहीं करोगे, आप कभी भी न्यू लॉ की इंटेंशन नहीं जान पाओगे बेटा। और ये बेटा बातें बहुत जगह पे हमारे दिमाग में ना आती है, मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल्स इनफैक्ट मैं आपको दे दूंगा बेटा, बात समझना बस, पूरा अभी टॉपिक क्लियर होगा बेटा आपको। और ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं ना, एग्जाम में भी कल को बेटा कोट कर पाओगे आप। ये देखो सेक्शन 50C, बेटा सेक्शन 50C, मैं सीधे ओल्ड लॉ पे चलता हूं बेटा,
मैं सीधे ओल्ड लॉ पे चलता हूं। अभी अभी प्रेजेंटली क्या है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उस पे भी आऊंगा, पहले ओल्ड लॉ पे चलता हूं पहले क्या होता था। सुनो, अब इमेजिन करो बेटा, एक पर्सन है मिस्टर ए, उसकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की करी सेल, कितने रुपए में बेटे? 1 करोड़ रुपीस में, 1 करोड़ रुपए में उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेटा सेल करी, ठीक है बेटा। अब उसने पता क्या करा, जिसको उसने ये जमीन बेची उसने उससे कहा कि तू एक काम कर, तू मुझे चेक दे दे 30 लाख रुपीस का, 30 लाख रुपए का तो तू मुझे चेक दे दे और बाकी पैसा तू मुझे कैश दे दे, बाकी पैसा तू मुझे कैश दे दे। चलो, उसने बेटा 30 लाख रुपए चेक में दे दिए और 70 लाख रुपए का क्या दे दिया? कैश। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, चेक जो पैसा आपको चेक में मिलता है, और खास तौर पे बेटा जो अकाउंट पे ही चेक वगैरह होता है या ड्राफ्ट के थ्रू जो पैसा मिलता है, वो बेटा छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है कहां पर बेटा? आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस पैसे को छुपाना तो नेक्स्ट टू क्या है बेटा? इम्पॉसिबल है। लेकिन लेकिन मुझे कोई बताएगा, मैंने 70 लाख रुपए कैश में क्यों लिए? क्योंकि बेटा कैश छुपाया जा सकता है, क्योंकि कैश नजर नहीं आता बेटा, कैश किसी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो कैश को छुपाना इजी होता है बेटा, कैश का मैन्युपुलेशन करना इजी होता है, कैश को ठिकाने लगाना इजी होता है। लेकिन बेटा चेक का पैसा, ड्राफ्ट का पैसा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके पैसे नहीं छुपते हैं बेटा, कैश का पैसा आप छुपा सकते हो बेटा, इजी होता है कंपैरेटिवली। आपने देखा होगा बेटा फिल्मों में, स्पेशल 26 में देखा था ना, मंत्री जी क्या रेड पड़ी थी बेटा, कहां कहां से निकला था कैश, दीवारों में चिनवा रखा था, छत पे चिनवा रखा था। मतलब कैश को छुपाना बेटा कंपैरेटिवली, मंदिर में छुपा रखा है, गोडाउन में छुपा रखा है, नीचे तहखाना बना रखा है वहां छुपा रखा है। तो कैश को छुपाना कंपैरेटिवली ईजी होता है, चेक को छुपाना बेटा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि चेक का पैसा आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। अब सुनो बेटा, जो ओल्ड लॉ था वो क्या कहता था? वो कहता था कि हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, याद करो बेटा कैपिटल गेन चैप्टर, आप लोग भी अपनी क्लॉक को रिवाइंड करो जरा बेटा, मैं भी कर रहा हूं आप भी करो, क्लॉक को रिवाइंड करो और मुझे बताओ कैपिटल गेन चैप्टर में सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या लेते थे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो ओल्ड लॉ था ना बेटा, वो कहता था कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन। अब आप कहोगे सर एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन तो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन बेटा ए ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये बताया ही कहां कि सेल्स कंसिडरेशन 1 करोड़ है? उसने तो बताया नहीं, क्योंकि 70 लाख रुपए तो उसने कैश में लिया था, वो तो लगा दिया उसने ठिकाने। उसने गवर्नमेंट को बताया कि मेरी जमीन बिकी है 30 लाख रुपए की, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन। तो बेटा उसने इसको तो बताया ही नहीं ना कि 1 करोड़ की बिकी नहीं, 70 लाख रुपए तो ठिकाने लगा दिया उसने बेटा, और उसने गवर्नमेंट को बताया नहीं भैया मेरी जमीन कहाँ बिकती है, कहाँ कस्टमर है, मार्केट कितनी डाउन है, दुनिया भर के बहाने लगाए और कह रहा है रोतड़ी सी सूरत बना के 30 लाख का सारा बिका है। तो बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेटा कितनी मानी गई? 30 लाख रुपए मानी क्या जाए, वही कह रहा है बिकाई इतने का 30 लाख।
तो बेटा आप एक बात समझो, अब हुआ क्या, उसने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेटा कम शो करा। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम शो करोगे तो उसका इफेक्ट कैपिटल गेन्स पे क्या पड़ेगा बेटे, कैपिटल गेन्स भी प्रपोर्शनेटली कम हो जाएंगे। भाई जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम हुआ तो कैपिटल गेन्स भी कम हो गए, जब कैपिटल गेन्स कम होंगे तो बेटा फिर टैक्स भी आपका कम आ जाएगा। मतलब बेटा सिंपल वर्ड्स में, जो मिस्टर ए था ना, उसने इस 70 लाख रुपए पे टैक्स इवेड कर दिया, टैक्स का इवेजन किया उसने। उसने इस 70 लाख रुपए पे टैक्स का क्या कर दिया, इवेजन करा, जस्ट बाय डिक्लेयरिंग हिज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज 30 लाख। तो बेटा आपको पता है लॉ में ये एक लूपहोल था जिसका फायदा अनगिनत लोगों ने उठाया बेटा, जब तक अमेंडमेंट नहीं आया, जब तक अमेंडमेंट नहीं आया ना, इस लूपहोल का फायदा अनगिनत लोगों ने उठाया बेटा। वो क्या करते थे, जमीन बेचते थे ज्यादा की, थोड़ा पैसा कैश में ले लेते थे, मतलब मेजॉरिटी पैसा कैश में ले लेते, थोड़ा सा पैसा चेक के लिए दे लेते थे कि भैया चलो गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत तो डिस्क्लोज कर ही देते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं, है ना, बिल्कुल ही चूना नहीं लगाते। तो बहुत लोगों ने बेटा गवर्नमेंट के इस लूपहोल का बेटा फायदा उठाया पक्का। फिर बेटा लाया गया नया लॉ। अब नए लॉ में क्या करा गया वो समझो बेटा, सिंपल कर रहा हूं बेटा। अब न्यू लॉ में क्या करा गया, न्यू लॉ में बेटे एग्जांपल सेम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पता है बेटा किसको माना गया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को। मतलब आपके प्रॉपर्टी का जो सर्कल रेट होता है ना बेटा, लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो सर्कल रेट, यानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को माना गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा चलो मान एक अजम्पशन लें, सपोज 1 करोड़ की बिकी थी ना आपकी बेटा जमीन, एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी पता है बेटा कितनी है, सपोज 90 लाख रुपए, तो सर्कल रेट 90 लाख का है लेकिन बिकी कितने की, 1 करोड़ की। आपको पता है अब जो नया लॉ आया है बेटा, उस नए लॉ में पहले बताओ कंसिडरेशन कितना आया बेटा आपको, 1 करोड़। ये तो खैर अमेंडमेंट बेटा बहुत पहले आया था, अब कंसिडरेशन 1 करोड़ है बेटा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब नए लॉ में आप चेक के थ्रू 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख अपनी मर्जी से नहीं ले पाओगे बेटा, आपको गवर्नमेंट को कितना डिस्क्लोज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, 90 लाख रुपए आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब बेटा अगर आपने गवर्नमेंट को ये कहा ना कि मेरी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की बिकी है, गवर्नमेंट कहेगा भाग यहाँ से, बिकी हो 30 लाख की हमें नहीं पता, हम मान के चलेंगे डीम्ड, हम मान के चलेंगे कि तेरी प्रॉपर्टी 30 लाख की नहीं बिकी, हम मान के चलेंगे तेरी प्रॉपर्टी 90 लाख की बिकी है, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे बिकी है। तो ऑल दो तेरी 30 लाख की बिकी हो, 40, 50, 60, 70 जितने मर्जी की बिकी हो, हम मान के चलेंगे तेरी प्रॉपर्टी एटलीस्ट 90 की बिकी है। यानी गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है, भैया जितनी मर्जी की बेच, एटलीस्ट 90 लाख तो डिस्क्लोज कर हमें, तो आपको बेटा चेक में ना अब एटलीस्ट 90 लाख तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब बेटा इस लॉ में ना बेटा अभी भी एक लूपहोल है, लेकिन वो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते बेटा। और लूपहोल अभी भी क्या है,
टैक्स इवेजन अभी भी होगी, क्योंकि बेटा अब लोग पता है क्या कर रहे हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की भी की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 है, तो 90 तो ले लिया चेक में, बाकी किस में ले रहे हैं, कैश में, और ये कैश वो डिस्क्लोज करते ही नहीं गवर्नमेंट को। बेटा कैश में लेने का पर्पस ही ये है कि हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो अब बस फर्क इतना आया है कि अब भी टैक्स इवेजन तो हो रहा है, अभी भी टैक्स इवेजन तो हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटा, कंपैरेटिवली टैक्स इवेजन बहुत कम पे हो रहा है। ओल्ड लॉ में बेटा जो टैक्स इवेजन 70 लाख रुपए पे हो रहा था ना, वही टैक्स इवेजन अब बेटे आपके सिर्फ 10 लाख रुपए पे हो रहा है। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई बेटा? तो कभी हमारे दिमाग में जैसे 50C पढ़ते हुए आया हो कि सर ऐसा रूल उन्होंने क्यों बनाया, क्यों गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानती है, ऐसा क्यों? तो बेटा अब समझ आया, लेकिन बेटा आपको ये तब तक नहीं समझ आता जब तक मैं आपको ओल्ड लॉ पहले ना बता दूं। तो एक बात समझो, सुनो, अब समझो कि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को उन्होंने क्यों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट का मानना यह था कि ओल्ड लॉ में बहुत सारे लोग जितना कंसिडरेशन है उतना डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं, उतना डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं, वो बहुत छोटी अमाउंट डिस्क्लोज कर देते हैं, बाकी पैसा कैश में लेते हैं और कैश को ठिकाने लगा देते हैं। तो हमें तो टैक्स बहुत कम मिल रहा है एज कंपेयर टू जो हमें मिलना चाहिए, मतलब ओल्ड लॉ में बेटा बहुत सारा टैक्स इवेजन हो रहा था। इसीलिए बेटा गवर्नमेंट ने कहा तुम प्रॉपर्टी जितने मर्जी की बेचो, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को क्या मान के चलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपको 90 लाख रुपए तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूपहोल, देखो लूपहोल्स है ना, अभी भी मैंने कहा अभी भी लूपहोल तो अभी भी है, क्या लूपहोल है अभी भी बताओ बेटा, टैक्स इवेजन तो अभी भी हो रहा है बेटा, बस फर्क इतना है पहले 70 पे हो रहा था अब सिर्फ 10 पे हो रहा है, तो टैक्स इवेजन तो अभी भी हो रहा है। अब इस टैक्स इवेजन को पता है गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट बेटा खत्म तो नहीं हो सकती ये चीजें, लेकिन हाँ काफी कम कर दिया बेटा, वो क्या, गवर्नमेंट ने ना सर्कल रेट्स को बढ़ा दिया है बेटा 5% से लेके 10% तक सर्कल रेट बढ़ा दिए बेटा। इससे क्या होगा, अब सोचो 90 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 10% से बढ़ा दी जाए, मतलब 9 लाख से बढ़ा दी जाए, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 लाख। अब क्या होगा बेटा, आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बिकी तो आपको चेक में कितना लेना पड़ेगा बेटा, 99 लाख लेना पड़ेगा, और कैश में सिर्फ कितना ले पाओगे, 1 लाख रुपए शगन का बेटा। तो कर लो अभी भी टैक्स इवेजन कर लो, लेकिन सिर्फ कितने पे कर पाओगे, 1 लाख पे ही कर पाओगे। तो बेसिकली बेटा लॉ में लूप होल्स हैं, धीरे धीरे बेटा पहले ओल्ड लॉ बनता है, कुछ टाइम तक ओल्ड लॉ चलता है, फिर गवर्नमेंट को पता चलता है नहीं यार ये ओल्ड लॉ में तो लूप होल्स हैं, फिर उन लूप होल्स को भरने के लिए नया लॉ बनाया जाता है, उन लूप होल्स को फिलअप किया जाता है, सप्रेस किया जाता है बेटा, फिर धीरे धीरे वो लॉ यूज होता है, पता चलता है नहीं लूप होल तो अभी भी हैं, फिर एक नया लॉ आएगा। तो बेटा अमेंडमेंट्स इसीलिए तो हो रही हैं क्योंकि पुराने लॉ में कोई लूप होल्स हैं। तो अगर आपको नए लॉ के पीछे इंटेंशन समझना है तो ओल्ड लॉ को पढ़ना जरूरी है, ओल्ड लॉ में क्या कमी थी, किस कमी को भरने के लिए न्यू लॉ बनाया गया, वो जानना जरूरी है बेटे। आपको क्लियर ही नहीं होगी बेटा न्यू लॉ की इंटेंशन अगर आप ओल्ड लॉ में नहीं जाओगे। पक्का बताओ बेटा समझ आया, एक और करें, देखो एक और कराता हूं आपको, चलो एक और बेटा बिल्कुल प्रैक्टिकल केस। अब जैसे बेटा जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, मुझे जानना यह है कि क्यों लाई गवर्नमेंट जीएसटी, ऐसा
क्या हो गया था, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए थे कि जीएसटी लाना पड़ा? व्हाई वॉज, बेटा दिमाग में आता है ना ये सवाल, व्हाई वॉज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड, क्यों जीएसटी लाया गया, व्हाई वॉज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड? पक्का? और एक छोटी सी बात बोलूं बेटा, बहुत डिटेल में नहीं करूंगा, करा चुका हूं आपको, लेकिन एक शॉर्ट में जरूर बात बोलूंगा बेटा, व्हाई वॉज जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड? तो अगर जीएसटी क्यों लाया गया वो समझना है, तो बेटा पहले किसको समझो, ओल्ड लॉ क्या था, जो ओल्ड टैक्स के लॉस थे, चाहे वो सेल्स टैक्स के हों वगैरह वगैरह, एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, खैर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, पहले ये समझो ओल्ड लॉ में क्या कमी थी, जिस कमी को फिलअप करने के लिए, सप्रेस करने के लिए न्यू लॉ लाया गया। और बताए ओल्ड लॉ की बेटा सबसे बड़ी कमी क्या थी, इट क्रिएटेड, कर चुके हो आप, इट क्रिएटेड क्या बेटा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। बेटा ओल्ड लॉ में ना कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस का क्रिएट होता था, मैंने आपको मतलब बताया था बेटा, कैस्केडिंग इफेक्ट का क्या मतलब था बेटा, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के कंपोनेंट पे टैक्स लगता था बेटा, तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते बेटा मैन्युफैक्चरर ने एक्साइज ड्यूटी लगाई, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया, टैक्स पे टैक्स, फिर मैन्युफैक्चरर ने वो सामान होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने अपना टैक्स लगाया, तो मैन्युफैक्चरर के टैक्स पे, होलसेलर का टैक्स पे, रिटेलर का टैक्स, बेटा टैक्स पे टैक्स लगता जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था बेटा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, पॉइंट समझ आया बेटा? इसी चीज को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, और जीएसटी में बेटा खासा ध्यान इसी बात पे दिया गया है कि जीएसटी अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। बेटा जीएसटी में कभी भी कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है, काफी हद तक बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है जीएसटी में। तो बेटा अब नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, नो टैक्स ऑन टैक्स, और क्योंकि बेटा टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, तो बेटा देखा जाए तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट फाइनली सस्ता मिलेगा, कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स लॉ। तो बेटा अगर मैं ये समझूं कि जीएसटी क्यों लाया गया, ऐसा क्या हो गया था, क्या मोटिव था जीएसटी के पीछे लाने में, तो बेटा उसके लिए पुराने लॉ को जब तक नहीं समझोगे ना बेटा, आपको नया लॉ कभी नहीं समझ आना। तो ये बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हमें यही कहती है कि अगर आपको लॉ मेकर की इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही है, तो घड़ी में बेटा पीछे, घड़ी को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, पास्ट में जाओ, और जब ओल्ड लॉ था तब क्या था, ठीक है बेटा, तो ओल्ड लॉ में क्या कमी थी, जब तक वो कमी पता नहीं चलेगी, न्यू लॉ क्यों लाया गया वो आपको पता ही नहीं चलेगा बेटा। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल दे दूं बेटा, बेटा अभी आपने सुना होगा, रिसेंट बताता हूं बेटा, सुप्रीम कोर्ट का बेटा एक लैंडमार्क जजमेंट आया है अभी हालिया में बेटा, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है रिसेंटली बेटा, ठीक है, और किस चीज के बारे में बेटा, वो ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अब से हक फीमेल्स का भी उतना ही होगा जितना मेल्स का है, ठीक है। तो बेटा याद रखना, लैंडमार्क जजमेंट क्या आया है, फीमेल
शैल हैव अ शेयर, इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि यार क्यों ये फीमेल्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर दिया गया है, ऐसा क्या हो गया कि फीमेल्स को हिस्सा देना पड़ा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो बेटा उसके लिए ना मुझे फिर से फ्लैशबैक में बेटा थोड़ा सा जाना पड़ेगा और जो ओल्ड लॉ था ना बेटा उसे देखना पड़ेगा। और बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं कौन से लॉ की, हिंदू सक्सेशन एक्ट की, जो बेटा 1956 में लाया गया, उसके बाद 2005 में अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, और उसके बाद अब बेटा खैर मैं यहाँ पर 1956 नहीं लिखता क्योंकि 2005 में वो अमेंड हो गया था, तो बना बेटा था ये 1956 में। और जो ये ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बेटा, ये अभी आया रिसेंटली 2020 में। तो बेटा क्यों आया ये 2020 में, ऐसा क्या हो गया कि फीमेल्स को हिस्सा देना पड़ा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, क्या पहले उनका हिस्सा नहीं होता था क्या, कैसे पता चलेगा बेटा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बेटा फ्लैशबैक में, ओल्ड लॉ जो 1956 में आया था। और बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो आया था वो साफ साफ कहता था कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी बेटा उस टाइम पे, तो साफ साफ हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, मेल्स का। तो ओल्ड लॉ में बेटा ओनली मेल शैल हैव राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस टाइम पे, उस टाइम पे फीमेल्स वगैरह को बेटा पूछता कौन था, ये तो धीरे धीरे बेटा जाके फीमेल्स आज बेटा मेल के साथ खड़ी हैं बिल्कुल, शायद उनसे भी आगे बेटा। तो उस टाइम पे बेटा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी बेटा, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट सिर्फ किसका था बेटा, मेल्स का राइट था। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना बेटा, धीरे धीरे कोर्ट ने ये बात रियलाइज करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। भाई अब देखो दोनों में बेटा कॉन्ट्राडिक्शन आया या नहीं, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आया बेटा। एक तरफ तो 1956 का जो ओल्ड लॉ है हिंदू सक्सेशन एक्ट वो कहता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे सिर्फ राइट मेल का होगा, फीमेल का कोई राइट नहीं है, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है मेल और फीमेल के इक्वल राइट से, जेंडर इक्वालिटी है बेटा। तो बेटा उन्होंने कहा कि हमें ऐसा डिसीजन अब देना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ना करे। बेटा पहले उल्लंघन हो रहा था, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरा करने के लिए बेटा नया लॉ लाया गया, और नए लॉ में क्या गया, फीमेल्स will also have equal right बेटा, equal right, कम ज्यादा नहीं equal right, तभी तो gender equality आएगी, will also have equal right in ancestral property। तो बेटा बात सबको समझ आ रही है। तो बेटा जब नया law लाया जाता है ना तो एक बात तो पक्की है, और वो क्या कि पुराने लॉ में कोई ना कोई खामियां जरूर रही होंगी बेटा, हो ही नहीं सकता
कि पुराने लॉ में कोई खामी नहीं थी और नया लॉ लाया गया, मन कर रहा था नया लॉ लिखने का, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। जब कोई अमेंडमेंट आती है तो अमेंडमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा पुराने लॉ में कोई डेफिशिएंसीज रही होंगी, ठीक है, तो उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, लूप होल्स को भरने के लिए नया लॉ लाया जाता है। तो अगर आपको न्यू लॉ को इंटरप्रेट करना है तो फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ओल्ड लॉ कब आया था वो देखना पड़ेगा, ओल्ड लॉ को पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड लॉ में क्या डेफिशिएंसीज थी, लूप होल्स थी, वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको नया लॉ क्लियर हो पाएगा बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलो रीडिंग मान लें बेटा, एक क्लियर हो गया, बाकी तो बेटा हमें अब ये देखना बेटा, काम की बातें बताऊंगा अभी जरा। हेडन्स रूल मे बी अप्लाइड इफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टेट्यूट आर एम्बिगुअस, मतलब वर्ड्स क्लियर नहीं है बेटा, नॉट क्लियर, वेग से वर्ड्स हैं, और आर कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, बेटा दो मतलब निकलते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज नहीं हो पाएगा, वर्ड्स ही क्लियर नहीं है, ठीक है। इफ गिविंग लिटरल मीनिंग टू द वर्ड्स वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेकिन बेटा अब दूसरी बात क्या है, मीनिंग तो क्लियर है, मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन मैं चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करता हूं मैं तो बेटा उससे ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ मेकर, जो मोटिव था इस लॉ के बनाने के पीछे, वो डिफीट होता है बेटा। इसलिए बेटा लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज नहीं हो सकती। तो बात समझना, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कब यूज हो रहा है बेटा, या तो मीनिंग्स क्लियर ही नहीं है, एम्बिगुअस है, या क्लियर है लेकिन अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज करता हूं तो इट विल डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। द कोर्ट may depart from dictionary meaning, तो उस केस में बेटा कोर्ट डिक्शनरी मीनिंग को नहीं देखेगी, मतलब प्लेन नेचुरल ऑर्डिनरी मीनिंग को, लिटरल मीनिंग को नहीं देखेगी बेटा, एंड इंस्टेड गिव इट अ मीनिंग विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, अगर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन आता है ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिसचीफ। बेटा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को लाने के पीछे, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मोटिव ही ये होता है बेटा कि आप पढ़ो क्या, कि क्या मिसचीफ था ओल्ड लॉ में, मतलब पुराने लॉ में क्या डेफिशिएंसी थी, क्या लूपहोल थी, क्या मिसचीफ लोग करते थे, और उसके लिए न्यू लॉ में क्या रेमेडी लाई गई है बेटा। तो बताओ 50C में बेटा लोग क्या करते थे, टैक्स इवेजन करते थे, उस टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए ही तो नया लॉ लाया गया था 50C। ऐसे ही बेटा ओल्ड टैक्स लॉज में बेटा क्या होता था, सेल्स टैक्स लॉ में कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता था, टैक्स ऑन टैक्स, इन्फ्लेशन बढ़ता था, कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा मिलता था, ये वो डेफिशिएंसी थी बेटा ओल्ड लॉ की, उसको पूरा करने के लिए ही तो रेमेडी आई है GST, जो कैस्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है, अवॉइड। बेटा ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां तक कि इस रूल की बात है। फिर द कोर्ट शैल कंसिडर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट्यूट, मतलब अगर आपको न्यू लॉ जानना है तो बेटा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ओल्ड लॉ को पढ़ना पड़ेगा। कॉमन लॉ बिफोर द स्टेट्यूट वॉज इनेक्टेड, मतलब इस लॉ के आने से पहले क्या लॉ था, एंड द मिसचीफ विद स्टेट्यूट इंटेंडेड टू प्रोवाइड रेमेडी फॉर, तो जब तक बेटा ओल्ड लॉ में क्या मिसचीफ है जो आप ठीक करना चाहते हो न्यू लॉ में, जब तक वो मिसचीफ नहीं पता चलेगी रेमेडी कैसे दे लोगे बेटा। अगर आपको दवाई देनी है तो बीमारी तो पता होनी चाहिए, मिसचीफ बीमारी है बेटा और रेमेडी दवाई है, बीमारी पता करे बिना दवाई कैसे दोगे। तो बेटा पता है क्या, जब भी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल अप्लाई करना हो ना, दिल में बेटा मन में चार सवाल अपने आप से पूछना, कितने बेटा, चार सवाल, कौन कौन से, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, मतलब न्यू लॉ से
पहले का लॉ क्या था, ओल्ड लॉ क्या था, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। एग्जाम में तो बेटा यही लिखना है, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। वैसे शॉर्ट में बता रहा हूं ओल्ड लॉ क्या था, पहले वो देखो। फिर व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट विच लॉ डिड नॉट प्रोवाइड फॉर। उस ओल्ड लॉ में क्या डेफिशिएंसी थी, उस ओल्ड लॉ में क्या लूपहोल्स थे, उस ओल्ड लॉ में क्या मिसचीफ है जिसको न्यू लॉ ठीक करना चाहता है, ठीक है। फिर व्हाट वाज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड। इनफैक्ट ये व्हाट इज होना चाहिए बेटा, व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, मतलब उस डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए, लूपहोल्स को भरने के लिए, मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए क्या रेमेडी न्यू लॉ ने दी है, ठीक है। और उस रेमेडी को देने के पीछे बेटा कारण क्या है, क्यों वो रेमेडी दी गई है, क्या होगा उस रेमेडी को देके। अगर ये चारों सवाल के जवाब बेटा मैं ढूंढ लूं, मुझे बेटा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटे, ठीक है। पहला ओल्ड लॉ, ओल्ड लॉ में क्या कमी थी, न्यू लॉ में उस कमी को कैसे भरा गया, मतलब रेमेडी। और चौथा रेमेडी देने के पीछे रीजन क्या है। After the court has adopted the above four matters, the rule requires the court to adopt the construction which will suppress the mischief and advance the remedy. तो बेटा आप देखो, मैंने 50C आपको दिया है यहाँ पर। अब पूछो वही चार सवाल अपने आप से, पूछो वही चार सवाल। What was the law before making of the act? मतलब नए law के आने से पहले old law क्या था। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन वॉज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बेटा डेफिशिएंसी थी इस ओल्ड लॉ में, क्या मिसचीफ था, क्या लूपहोल्स थे बेटा, क्या डिफेक्ट था इस ओल्ड लॉ में, इसकी वजह से बेटे टैक्स इवेजन होता था, ठीक है। क्योंकि लोग मैक्सिमम पैसा किस में लेते थे, कैश में, चेक में थोड़ा सा पैसा लेते थे, तो टैक्स इवेजन होता था। अब गवर्नमेंट ने बताओ इस डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए रेमेडी क्या प्रोवाइड करी, इस मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए क्या रेमेडी प्रोवाइड करी। लॉ ने कहा नए लॉ में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इससे क्या होगा, लोग कम से कम पैसा कैश मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा चेक मिलेंगे, टैक्स इवेजन होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर रेमेडी, रेमेडी क्यों लाई गई है बेटा, ताकि टैक्स इवेजन को अवॉइड किया जा सके। और सेम बेटा जीएसटी में भी आप कर सकते हो। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, मतलब बेटा ओल्ड लॉ क्या था, ओल्ड लॉ में क्या होता था बेटा, टैक्स वाज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा, मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सामान बेचता था ना बेटा, तो होलसेलर क्या करता था, अपनी कॉस्ट में मैन्युफैक्चरर का टैक्स इंक्लूड करता था। फिर होलसेलर जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करता था, प्रॉफिट के बाद टैक्स ऐड करता था, तो उसका जो टैक्स वो चार्ज कर रहा है वो टैक्स मैन्युफैक्चरर के टैक्स पे भी लग जाता था बेटा। अच्छा तो बेटा इससे होता क्या था, क्या डेफिशिएंसी थी बेटा इस लॉ की, इट लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स ऑन टैक्स आ जाता था बेटा और इन्फ्लेशन बढ़ता था। अब बताओ बेटा न्यू लॉ में क्या रेमेडी प्रोवाइड करी गई, जीएसटी में इसकी क्या रेमेडी प्रोवाइड करी। जीएसटी ने कहा टैक्स को, ये टैक्स काट देना बेटा, टैक्स वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। जीएसटी में कहा, चैप्टर वन खोल के पढ़ना करवाया हुआ बेटा सब आपको, जीएसटी ने कहा टैक्स को कॉस्ट में इंक्लूड मत करना, मतलब होलसेलर अपनी कॉस्ट में मैन्युफैक्चरर के टैक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने कर दिया तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो न्यू लॉ ने कहा, जीएसटी ने कहा कि होलसेलर अपनी कॉस्ट में मैन्युफैक्चरर द्वारा चार्ज किया गया टैक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करना है। क्यों बेटा ये रेमेडी सजेस्ट करी गई, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया जा सके। बाकी बेटा एक एग्जाम्पल मैंने आपको वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का भी दिया है, तो वो भी आप यहीं पर लिख देता हूं मैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये एग्जाम्पल भी बेटा आप कोट कर सकते हो। पक्का बताओ बेटा रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन,
बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो चार सवाल बेटा हैं, चार सवाल। पुराना लॉ क्या था, पुराने लॉ में डेफिशिएंसी क्या थी, उस डेफिशिएंसी के लिए क्या रेमेडी प्रोवाइड करी गई, रीजन रेमेडी क्यों प्रोवाइड करी, ये चार सवालों के जवाब ढूंढ लो, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन खत्म हमारा। पक्का बेटा? मेरे ख्याल से बच्चे जितने रूल्स हम कर रहे हैं क्लियर हो रहे हैं सबको, ठीक है। चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।